और ये मेहंदी लगा रही है। यहाँ पर हम लोग फंस गए हैं। अस्सलाम वालेकुम आदाब और बच्चों का मेरा प्यार, आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद और सबका स्वागत। तो छोटी ये वाला कपड़ा पहन रही है आज, हम लोग बाहर जा रहे हैं अभी, और इसको ये वाला पहनना था मगर इसके पीछे से जिप टूट गई, तब प्यारा लग रहा था उसके ऊपर जिप ही टूट गई। तो कोई नहीं, ये वाला कपड़ा पहन के जा रही है, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। अभी हम लोग मतलब मैं हो चुकी हूँ रेडी, मम्मी का भी होना बाकी, हम दोनों हो चुके हैं तैयार। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, हम दोनों ने सेम आई मेकअप कराया ऐसा लग रहा है। मैंने पिंक लगाया, इसने गोल्डन लगाया है। हाँ। और इसका आई मेकअप भी मैंने ही कराया है। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं अभी जाने में, जाने के। और मम्मी तो लाइक बहुत परेशान हो चुकी है, वो यमुना का भी एक आधा दुपट्टा नहीं आया है, जो भी बहुत परेशान है। और अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और अभी मुझे बस हिजाब पहनना है। मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहनी है, ये वाली एक कंगन ऐड कर लिया है इस हाथ में, और बस मैंने इसमें सिर्फ चूड़ियाँ पहनी है, कंगन वंगन नहीं पहना मैंने। मैंने अपने बाल को एक हाई पोनी में कर लिया है। चलिए अब हम लोग आपको अपने सब लोग तैयार होकर आपसे मिलते हैं। मैं आपको कह तो दिया कि हम लोग आपसे अब डायरेक्ट कैब में मिलेंगे, लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई। ये देखिए ये है डोसा, इसमें हम लोग ने रखा है। चलिए अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। चलिए तो ये देखिए, ओ सॉरी ये तो मेरी छोटी बहन का खेलने वाले का, ये एकदम बढ़िया से एकदम डोसा आ चुका है। इसकी पैकिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए ये इन्होंने पूरा दे दिया सब सांभर चटनी के साथ। चलिए अब इसको भी खोल लेते हैं। तो ये है अंदर से हमारा डोसा, तो हम लोग तो ये ट्रैवलिंग के वक्त खाएंगे। देखिए बस मैंने स्नैक्स ले लिए और एक छोटा सा डोसा ले लिया है बस, और कुछ खास नहीं लेना है। हम लोग निकल चुके हैं अपने सामान के साथ सारे। यहाँ पर हम लोग फंस गए हैं, गलत रूट पे ले आए वो वन वे पे। 300 रुपए फाइन दिया है। हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हम लोग लाइक स्कूल भी अटेंड करा था और फिर तैयार भी होना था। यहाँ पर हम लोग CNG ले रहे हैं रास्ते में, और ये मेहंदी लगा रही है, वो भी बहुत घटिया बनी है। हाँ ये देखिए इधर, इधर देखो कहाँ भाग रही हो। मैं सच बता रही हूँ, मेरी छोटी बहन ने ना मेरा मेहंदी लगाना जाम करके रख दिया सच में। मैंने तो इतनी हिली जा रही, हिली जा रही, हिली जा रही। 94 किलोमीटर इक्वल्स टू 94,000 meters। मैं यहाँ पे अपनी गणित लगा रही हूँ, और मेरी छोटी बहन को तो खाने में इंटरेस्ट है। जो हम लोग ने स्नैक्स कैरी करा था, उसने वो घर से निकलने की थोड़ी देर बाद ही शुरू कर दिया था खाना। बहुत मजा आ रहा है, विंडो सीट पे बैठ के बहुत हवा आ रही है, कि मेरी छोटी बहन तक भी पहुंच रही है। आई शुड नॉट थकी दई मेरी नहीं लगी हां इस पे थकी दई हां इससे कट गई लगाई दी दम हम लगा दी जना अब कल लगाना के पास में।
पहुंच चुके हैं और जो ये घर की लाइट्स है वो हम लोगों के चेहरे पे पड़ रही हैं। एंड वी आर देयर। मैं पूरी भूखी लग रही हूँ। अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, आप लोग मेरे चेहरे पे देख ही सकते हैं। और हम लोग फिर एक रूम में आ गए जहाँ पे इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन था और कुछ लोगों के मेहंदी भी लग रही थी। इतनी थोड़ी सी लगा दी। हम लोग घूमने वाली दुल्हन के पास जाके बैठ गए हैं और इतनी प्यारी लग रही थी ना वो, लेकिन बेचारी बहुत थक गई थी सुबह से। और फिर लड्डू बटे और हम लोग ने खाना खाया और फिर सो गए। बड़ी बेटी सो गई, छोटी बेटी सोने वाली है। ए